तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का आज की वीडियो में। दोस्तों लेकर के आ चुके हैं महिंद्रा यूवोटेक ट्रैक्टर, जो कि दोस्तों महिंद्रा का रिसेंटली लॉन्च हुआ ट्रैक्टर है और काफ़ी शानदार फीचर्स के साथ में आ रहा है। 2024 मॉडल को लिया हुआ है आज की वीडियो में हम लोगों ने। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफ़ी शानदार फीचर्स के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। 50 HP का ट्रैक्टर है जो कि दोस्तों हमने लिया हुआ है महिंद्रा यूवोटेक प्लस 585 DI। दोस्तों ये जो है फोर व्हील ट्रैक्टर आज की वीडियो में है। इस ट्रैक्टर के बारे में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों चलिए शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं इस ट्रैक्टर के फीचर्स क्या इसमें शानदार है और कितने फीचर्स इस ट्रैक्टर में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है ये है फोर व्हील के अंदर। दोस्तों आज का जो जमाना है, अभी टू व्हील ट्रैक्टर भी चल रहे हैं और फोर व्हील भी चल रहे हैं, लेकिन आगे चल करके क्या है कि मशीनरी इतनी एडवांस हो जाएगी, खेती को इतना एडवांस टेक्नोलॉजी करने वाली है कि आप लोगों को फोर व्हील ट्रैक्टर ही लगने वाला है। तो फोर व्हील के मामले में ट्रैक्टरों का चुनाव करिएगा आज के ज़माने के हिसाब से, जो कि दोस्तों अगर आप लोग 50 HP फोर व्हील ट्रैक्टर लेते हैं तो वो आप लोगों को लगभग 55 HP के बराबर का काम करके देगा, क्योंकि फोर व्हील लेने का काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने के लिए मिलता है और भविष्य में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देखने के लिए मिलेंगे फोर व्हील के अंदर, इसलिए हमने लिया है फोर व्हील को। स्टार्टिंग कर लेते हैं ट्रैक्टर के बारे में। तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत सा देखने वाला ये ट्रैक्टर आता है हमारा 50 HP की श्रेणी में। इस ट्रैक्टर का जो नाम है दोस्तों वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, महिंद्रा यूवो टेक प्लस 585। जो इसके ग्राफिक्स हैं काफ़ी शानदार, काफ़ी स्पोर्टी बनाए गए हैं कंपनी के द्वारा। दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो है आप लोगों को सेंसर भी देखने के लिए मिलेंगे काफ़ी सारे और GPS भी देखने के लिए मिलेगा। 6 ईयर वारंटी दोस्तों लिखा हुआ है ट्रैक्टर के ऊपर, यानी कि 6 साल की तो कंपनी की ओर से वारंटी मिलती है, जो कि आप लोगों को किसी ट्रैक्टर के अंदर नहीं मिलती है, ये महिंद्रा आप लोगों को दे रहा है। दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर क्या है, आप लोगों को हैलोजन हेडलाइट देखने के लिए मिलेंगे। यूजुअली क्या है महिंद्रा के ट्रैक्टर्स में, दोस्तों आप देख सकते हैं पुराना जो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है हमारे पास में, बाहर की ओर हेडलाइट देखने के लिए मिलते थे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये यूवो सीरीज है, इसके अंदर आप लोगों को कॉम्बिनेशन मिलता है सिंगल पीस बोनट के अंदर। ये देख सकते हैं दोस्तों जो लुकिंग को काफी शानदार बनाता है, जैसे कि साइड में क्रोम और ब्लैक फिनिश के साथ में आप लोगों को ट्रैक्टर के अंदर जाली देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों जो बम्पर है अभी इस ट्रैक्टर में लगाया नहीं गया है, बम्पर काफी प्यारा देखने के लिए मिलता है, जो कि लगभग मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। दोस्तों लगभग ये वाला बम्पर इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं फ्रंट एक्सल के बारे में। फ्रंट एक्सल इसका जो है आप लोग देख सकते हैं काफी हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को 50 HP के अंदर। और दोस्तों इस फ्रंट एक्सल की जो खासियत है वो है कि ये जो फ्रंट एक्सल है बुल पिनियन के साथ में आता है और ये जो एक्सल है दोस्तों आप लोगों को टोटली सील्ड देखने के लिए मिलेगा। यानी कि दोस्तों आज की डेट में क्या है, धान वगैरह का सबसे ज्यादा क्रेज चल रहा है और उसमें क्या है आप लोगों को एक ऐसे ट्रैक्टर की जरूरत होती है जो कि फ्रंट एक्सल वगैरह उसका बिल्कुल सील्ड हो, यानी कि कहीं से इसमें कीचड़ वगैरह या फिर मिट्टी वगैरह एक्सल के अंदर नहीं जानी चाहिए, जिससे क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये आप लोगों को टोटल सील्ड फ्रंट एक्सल देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी हैवी ड्यूटी। अगर दोस्तों पावर स्टेयरिंग की बात करें तो सिंगल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर पावर स्टेयरिंग ट्रैक्टर के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। अगर दोस्तों इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर की अगर अपन लोग बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 9/5/20 का टायर, जो कि काफी बड़ा टायर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अगर दोस्तों ट्रैक्टर के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर आप लोगों को बताना चाहूं तो इसका जो बोनट है सबसे पहले अपन उसको ओपन करेंगे। तो बोनट जो है दोस्तों इसका आप देख सकते हैं महिंद्रा का ओल्ड जो बोनट था वो मैनुअली था, इसको बना दिया सिंगल पीस और ऑटोमेटिक उठने वाला बोनट। तो इसमें आप लोगों को इधर की साइड में एक हुक मिलता है जिसको आप नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो इसका बोनट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, तो वो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों ये जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, इसको आप नीचे की साइड में पुल करना है तो ये जो बोनट है इसका ओपन हो जाता है, इसको आप लोगों को हल्का सा हाथ से उठाना पड़ता है। तो दोस्तों इधर की साइड में आप लोग देख सकते हैं सिंगल पीस बोनट के साथ में ये जो ट्रैक्टर का इंजन है पूरा आप लोगों को विजुअल हो रहा है, यानी कि सिंगल पीस बोनट है ट्रैक्टर के अंदर और काफी पहले से सहूलियत भी दे दी है इसको उठाने के लिए। आप देख सकते हैं पूरा एक बार में ओपन हो चुका है और इंजन आप लोग देख सकते हैं 4 सिलेंडर इंजन ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर। तो अगर इस ट्रैक्टर के इंजन वगैरह के बारे में अगर अपन लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 4 सिलेंडर का इंजन ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है। बॉश कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप ट्रैक्टर के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा।
और दोस्तों इस ट्रैक्टर की जो क्यूबिक कैपेसिटी यानी कि इंजन की सीसी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है वो 3054 सीसी का ट्रैक्टर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि दोस्तों 2100 रेटेड आरपीएम पर लगभग 197 एनएम तक का टॉर्क आसानी से प्रोड्यूस करके दे देता है। साथ में ये जो ट्रैक्टर का इंजन है वाटर कूल्ड विद ओवरफ्लो वाल्व के साथ में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों इस ट्रैक्टर की जो आगे की साइड में आप देख सकते हैं कूलेंट का बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। और इस ट्रैक्टर के अंदर एक चीज और खासियत मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ड्राई एयर क्लीनर, जो कि दोस्तों चॉकिंग सेंसर के साथ में आता है। ये जो है सामने की साइड में सेंसर लगा हुआ है, यानी कि अगर इसमें धूल मिट्टी ज़्यादा जमा होती है तो आप लोगों को सेंसर के जरिए पता लग जाएगा ट्रैक्टर के डैशबोर्ड पर। नीचे की साइड में आप लोग देख सकते हैं डीजल फिल्टर सिंगल देखने के लिए मिलता है, और दोस्तों इधर की साइड में सेल्फ देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को। अगर बात करें राइट साइड में इस ट्रैक्टर की, तो राइट साइड में आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, तो राइट साइड में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ट्रैक्टर का अल्टीनेटर। दोस्तों इस ट्रैक्टर के जो पावर स्टेयरिंग का पंप है और हाइड्रोलिक का पंप है वो आप लोगों को जॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों ट्रैक्टर के रेडिएटर के बारे में अगर बात करें तो 50 एचपी के हिसाब से काफ़ी डिसेंट साइज का रेडिएटर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। साइलेंसर के ऊपर एक सेफ्टी जो गार्ड है अलग से जाली देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इंजन का फिल्टर नीचे की साइड में देखने के लिए मिलेगा, जो दोस्तों एक छोटा सा हुक है वो आप लोगों को इंजन का ऑयल चेक करने के लिए है, जिससे आप इंजन का ऑयल का लेवल चेक कर सकें। दोस्तों इस ट्रैक्टर की जो बैटरी है उसके लिए सेपरेट बॉक्स आपको बाहर की साइड में देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं नीचे की साइड में, तो इसमें एक टूल बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को, 6 ईयर की वारंटी ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करेंगे इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म और गियर बॉक्स के बारे में, जो कि दोस्तों इस ट्रैक्टर के काफ़ी हटके गियर बॉक्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और दोस्तों प्लेटफॉर्म भी काफ़ी कंफर्टेबल देखने के लिए मिल जाता है। तो अब चर्चा करेंगे प्लेटफॉर्म के बारे में। दोस्तों फुट स्टेप जो है इसका काफ़ी चौड़ा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो कि होल्स के साथ में है, ताकि किसान भाइयों की जो पैर वगैरह आए या जब भी जूते वगैरह पहनते हैं तो वो बरसात के टाइम में स्लिप वगैरह ना करें। दोस्तों प्लेटफॉर्म जो है एकदम फ्लैट ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों ट्रैक्टर के गियर बॉक्स की अगर बात करें तो साइड शिफ्ट गियर देखने के लिए मिलेंगे 50 HP महिंद्रा के अंदर, जो कि दोस्तों ये महिंद्रा की सीरीज ही पूरी अलग है, काफ़ी फीचर्स और काफ़ी शानदार ट्रैक्टर के साथ में ये कंपनी ने लॉन्च की है। दोस्तों इसमें साइड शिफ्ट गियर देखने के लिए मिलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर के अंदर आप लोगों को सेमी डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको सभी प्रकार की जानकारियां देखने के लिए मिल जाती हैं ट्रैक्टर के अंदर। इसमें जो है आवर्स का, 4x4 का, फ्यूल का, RPM वगैरह सब चीज़ें आप लोगों को ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रैक्टर के गियर बॉक्स के बारे में, उससे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इसका जो पावर स्टेयरिंग का व्हील है वो भी काफ़ी शानदार और काफ़ी इनअप साइज में देखने के लिए मिलता है, यानी कि काफ़ी प्यारा है और काफ़ी सही है कॉम्बिनेशन के हिसाब से। इसमें नीचे अगर बात करें तो लाइट कॉम्बिनेशन स्विच मिल जाएगा एज यूजुअल, चाबी का आप लोगों को साइड में मिलेगा। इसमें दोस्तों ये जो है स्टॉपर बटन मिल जाएगा, ये जो स्टॉपर मिल जाएगा उसके साथ में 12 वोल्ट का आप लोगों को आउटपुट देखने के लिए मिलता है, जो कि मोबाइल चार्जिंग वगैरह के लिए काफ़ी सूटेबल देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के गियर बॉक्स के बारे में। दोस्तों इस ट्रैक्टर का जो गियर बॉक्स है हाई लो मीडियम में ट्रैक्टर देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है 50 HP के अंदर हाई लो मीडियम देखने के लिए मिलेगा। नीचे की साइड में दोस्तों ये 4-wheel का आप लोगों को लीवर मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं राइट साइड में, राइट साइड में आप लोगों को गियर का कॉम्बिनेशन मिलेगा 1, 2, 3, 4 और प्लस में रिवर्स का कॉम्बिनेशन, तो ये भी काफ़ी शानदार चीज़ है। इसके साथ में दोस्तों उसी के साथ में ये जो लीवर है पार्किंग ब्रेक्स का लीवर देखने के लिए मिल जाएगा। इधर की साइड में ये जो है DC और PC लीवर देखने के लिए मिलेंगे ट्रैक्टर के अंदर। दोस्तों प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। आगे से कुछ ऐसा दिखता है ट्रैक्टर, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी शानदार लुकिंग के साथ में मिलता है, 4-wheel ट्रैक्टर है। दोस्तों इसमें जो है ब्रेकिंग की बात करें तो मल्टीप्लेटेड डिस्क ब्रेक ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। जो दोस्तों क्लच है वो इंजन को ऑपरेट करने का और PTO के लिए अलग मिल जाएगा। दोस्तों PTO में इसमें आप लोगों को मिलेगा 540 स्टैंडर्ड इकोनॉमी, उसके साथ में रिवर्स PTO का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोस्तों स्पेस जो है काफ़ी सफिशियंट, सीट काफ़ी कंफर्टेबल देखने के लिए मिलती है। आगे और पीछे आप लोग इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
अब इसमें दिखाना चाहूंगा दोस्तों, नीचे एक और स्विच मिलता है आप लोगों को दोस्तों। ये स्विच नहीं है, ये है जीपीएस ट्रैक्टर का। इधर की साइड में आप देख सकते हैं ट्रैक्टर का जीपीएस है दोस्तों। इसमें क्या है, जीपीएस मिलता है आप लोगों को। आप लोगों को अलग से जीपीएस फिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी है। अगर आप भाड़े पर ट्रैक्टर अपना चलाते हैं तो आपको पूरी जानकारी रहेगी अपने ट्रैक्टर की कि कितना उसमें फ्यूल है, कितना ट्रैक्टर चालू है कि बंद है, कहाँ पर ट्रैक्टर अभी इस टाइम में लोकेट है, यानी कि सारी जानकारी आप लोगों को जीपीएस के माध्यम से मिलती रहेंगी। वो उसी के लिए ये दिया गया है, ये जो है डीजी सेंस 4G बाय महिंद्रा, तो ये महिंद्रा के द्वारा दिया गया है। इसमें जो है दोस्तों 6 ईयर की वारंटी ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलती है कंपनी से दोस्तों। डुअल क्लच में मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पीटीओ का क्लच अलग से, इंजन को ऑपरेट करने का क्लच अलग से, फोर व्हील की बैजिंग मिल जाती है ट्रैक्टर के अंदर। अब दोस्तों बात करें इसकी पार्किंग लाइट की, तो ये काफी छोटे से और काफी प्यारे कॉम्बिनेशन के साथ में देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। इसके फेंडर जो हैं वो भी काफी स्टाइलिश देखने के लिए मिलते हैं कर्व शेप में। अगर दोस्तों पीछे की ओर अगर अपन बात करें तो इसका जो टायर साइज है 14x28 का ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और आगे का 9x20 का देखने के लिए मिलेगा। तो आप लुकिंग देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी, तो ये जो है इसकी राइड प्रोफाइल है, इसमें काफी शानदार ग्राफिक्स के साथ में ट्रैक्टर देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं हाइड्रोलिक के बारे में। के अंदर आप लोगों को इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो दोस्तों 1700 kg की लिफ्ट आप लोगों को ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफी शानदार है दोस्तों। इसी के साथ में इसकी पीटीओ एचपी की बात करें तो 45.5 HP की पीटीओ एचपी ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलती है, यानी कि फुल 50 HP का ट्रैक्टर बनता है अपना दोस्तों। इसमें जो है सेंसिंग की अगर बात करें तो सेंसिंग के 2 पॉइंट ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। इसके रियर एक्सल की अगर बात करें तो ये भी काफी शानदार, कंपनी ने इसमें कोई भी कंजूसी ना करते हुए प्लेनेटरी एक्सल दिया हुआ है, जो कि काफी शानदार है और काफी सफल प्लेनेटरी एक्सल को माना गया है, जो कि आप लोगों को जॉनडियर वगैरह में आसानी से देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो है ट्रैक्टर परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है मेरे हिसाब से तो। 50 HP में काफी ज्यादा फीचर्स ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अगर दोस्तों ट्रैक्टर की फ्यूल एसएफसी की बात करें तो 180.5 g/hp की देखने के लिए मिलेगी, यानी कि डीजल भी काफी बैलेंस किया गया है ट्रैक्टर का दोस्तों। महिंद्रा के ट्रैक्टर वैसे ही फ्यूल इफिशियंस ट्रैक्टर माने जाते हैं। इधर की साइड में दोस्तों मैं आप लोगों को इसके कुछ और लीवर दिखाना चाहूँ तो इसमें जो है डिफरेंशियल लॉक और डिस्ट्रीब्यूटर का लीवर इधर की साइड में देखने के लिए मिलेगा, नीचे की साइड में दोस्तों। इसकी जो है लेफ्ट प्रोफाइल कुछ ऐसी देखने के लिए मिलेगी, बैटरी का बॉक्स साइड में देखने के लिए मिलेगा, जो इसको काफी शानदार लुकिंग के साथ में तैयार करता है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है ट्रैक्टर को। इसकी प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसकी ग्राफिक्स जो है काफी शानदार और काफी प्यारी बनाई गई है, तो ये काफी ट्रैक्टर वैल्यू फॉर मनी बनता है 50 HP के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो प्राइस जो है दोस्तों इस ट्रैक्टर की 50 HP फोर व्हील की लगभग 9,25,000 के आसपास में देखने के लिए मिलती है दोस्तों। इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, एक एवरेज प्राइस मैंने आप लोगों को अभी बताया है। एक लगभग सारी जानकारी अपन ने आज की वीडियो में इसकी दी। अब अगली वीडियो दोस्तों आप लोगों को जल्दी ही 605 की देखने के लिए मिलेगी। इसमें जो युवो 605 अर्जुन देखने के लिए मिलता है अपन लोगों को, तो अर्जुन के बारे में बनाएंगे। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्री के आसपास से देख रहे हैं तो सुप्री में इसकी डीलरशिप का नाम सिद्धि विनायक ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स है, जिनका नंबर भी आप लोगों को मैं वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप उस पर बात कर सकते हैं, शोरूम पर विजिट कर सकते हैं और इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।